फिर से हम लोग आए हैं इस लोकेशन पर और आपको दिखाते हैं, इस लोकेशन की स्टोरी बताते हैं। एक्चुअली मैंने अपने यूट्यूब करियर की, जैसे भाई ने बताया, यूट्यूब करियर का मतलब फर्स्ट वीडियो अपने स्प्रिट मैन चैनल का यहाँ से ही बनाया था। और पहले दिन ही जब हम लोगों ने शूट किया तो कुछ हमसे लगभग 200 या 300 मीटर आगे कुछ एक ऐसी चीज नजर आई थी हम लोगों को उस समय। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था। और आवाज जरा सी भी आती है ना, तुरंत पीछे घुमा लेना कैमरा। गाइस देख सकते हैं छोटे छोटे बैट्स यहाँ पर उड़ रहे हैं। ये अंदर ले गया भाई साहब। वो देखो, वो इनको बैठा लो चल के वहां पे, पहले पकड़ा रहना भैया, भागने ना भाई। नहीं बैठा लो बैठा लो बैठा लो बैठा लो बैठा लो। कैमरा लेके आता चाचा, कहाँ से आए हो आप? ये है कौन बगे तो देखो भैया, कैमरा इधर लेके आना। दोस्तों यही इतने दिनों से इतने लोग हैं यहाँ पर, एक बार कैमरा घुमाना। सब कितने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और इनकी वजह से सबसे ज्यादा ये चीज प्रॉब्लम हो रही थी गांव में। मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि इस बार इस चीज को एक्सपोज करूंगा मैं, और मैं इतने लोगों के बीच में बात कर रहा हूँ इनको पकड़ के। सबसे पहले तो इनसे ये क्या हालत हो चुकी है। भैया भैया देखिए, अब आप छोड़ दीजिए इसको, हम लोग आपसे माफी मांगते हैं। जो भी खजाना था हम लोग यहाँ दफन कर देंगे। पंडित जी कुछ भी हो जाए, बाबा जी इनको छुड़ाइए। पहले जो चीज हम लोग को करनी वो करो। दोस्तों ये जो खजाना हमको मिला है जितनी भी जगह, हम सबसे पहले ये आपको क्लियर कर दें कि ये जो गड्ढे खोदे गए हैं, जो भी ये गड्ढे खोदे गए हैं, जो भी एक ये गड्ढा, एक ये गड्ढा और एक ये गड्ढा, यहाँ पर गड्ढे आपको क्यों मिलेंगे? सबसे पहली बात, बहुत सारे गड्ढे हैं यहाँ पर। ये देखिए,
चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं। ये गड्ढा इस तरफ, ये इसका कारण था। किसी को भी नहीं पता था कि इसका जो मेन पॉइंट खजाना किस जगह प्रॉपर दबा है। ये गड्ढा खजाना ढूंढने के लिए कुछ लोग आए थे, मैंने जिक्र किया था, उनमें से तीन लोग कुछ आए थे, जिनमें से एक की जान गई थी और दो लोग सीरियस आज भी हैं खजाना ढूंढने के चक्कर में, और उन्होंने ही ये गड्ढे खोदे थे। इतने बड़े गड्ढे मैं क्यों खोदूंगा यहाँ पर भला। और आगे आना, हमने जो खजाना निकाला था इस जगह से निकाला था ना, तो ये पूरा का पूरा खजाना है। इसमें हमने एक फूटी कौड़ी भी नहीं ली है, और बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं इस खजाने को यहां पर डाल रहा हूं। अब जिसकी भी चीज है वो हिफाजत करे। वो देखो, वो ये देखिए, आज हम आपसे डरने नहीं वाले। आप जो भी है ना, नीचे आ जाओ। चढ़ने का रास्ता किधर से? कोई रास्ता है तो चढ़ने का? देखो कोई चढ़ने का रास्ता नहीं है। फिर कैसे हुआ? माय गॉड यार, ये तो बड़ा अजीब है। बैक चल, बैक चल, बैक चल, पीछे चल। ओह माय गॉड, ये कैसे हुआ? कैमरा राउंड करो सारा सारा। ये कुछ ऐसा हम ये लगाने के बाद दिया गया सिंदूर है, और अगर कुछ भी होता है ना इसके बाद भी, तो गुरुजी भी इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी ताकत है वो बहुत भयानक ताकत है। दोस्तों इस तरह बात, अब ये लगाने के बाद यह कोई था कंफर्म भाई, दरवाजे बहुत तेज लगी है भाई, बहुत तेज मारा है। Oh, no.
ये धुआं देखो, अब आ रही है आवाज, एकदम क्लियर आवाज आ रही है। दोस्तों हम लोगों के पास डायरेक्ट ये कुछ पटाखे हैं जिनकी नॉइज करेंगे हम लोग, और उस इस पटाखे को क्या करेंगे, डायरेक्ट कुएं के अंदर लटका देंगे, इससे नॉइज पैदा होगी और फिर देखते हैं कि वहां पर क्या कोई वाकई में आवाज आती है क्या। तो डायरेक्ट अब आग लगाते हैं और फिर देखते हैं क्या कोई आवाज आती है, और इसके बाद भी अगर आवाज नहीं आती ना तो हमारे पास है ये वाला बॉम्ब, इसमें वायर को बांधेंगे और डायरेक्ट इसके नीचे लटका देंगे। ये बात सुन वेट करना। ओह माय गॉड, ये धुआं देखो, अब आ रही है आवाज, एकदम क्लियर आवाज आ रही है। ओह माय गॉड, वहीं पे खड़ी है दोस्तों, उस जगह पे। क्या हुआ? क्या हुआ? वो देख, जूम कर विक्की, डर नहीं यार, जूम कर उसको, पहले जूम कर, अच्छे से जूम कर, क्लियर आ रही है? वो देख, जूम कर विक्की, डर नहीं यार, जूम कर उसको, पहले जूम कर, अच्छे से जूम कर, क्लियर आ रही है? एकदम क्लियर दिख रहा दोस्तों, डरना नहीं है, मत डर भाई, डर नहीं, मत कह रहा हूँ ना, आगे नहीं जाऊंगा भाई, जूम कर उसको, गायब हो गई, विक्की डर नहीं यार, इधर आके दिखा कैमरा, चल क्या, आ गई यार, यहाँ पे पहली ऐसी वीडियो होगी इसमें भूत नजर नहीं आया। अबे ये की चला रही है, अबे विक्की पीछे है, ये मुंह से निकलता भाप दिख रहा होगा आप सभी को, सभी भाइयों को नमस्कार, एक बार राम राम फिर से। और आप सब कहीं ना कहीं सोच रहे होगे और थंबनेल पे भी देख लिया होगा कि भाई ने आज ये पहन क्या रखा है। तो यार जब ना मैं उस दुल्हन वाली लोकेशन से वापस गया ना उस गांव में, तो उन गांव वालों ने मुझे बताया कि एक बार तुम दूल्हे की भेस में वहां पर जाके दिखाओ तो मानू। देखिए वाकई यार, निकल जल्दी आगे। मेरे जस्ट पीछे खड़ी थी तो गाड़ी बैक करी है ना, हाँ। मैं कहा यार पीछे पर दिखाता हूँ, एकदम जस्ट पीछे थी, बाहर निकल यहाँ से पहले। ठीक इस जगह पर आपका
क्या हो रहा? फोन निकाल फोन निकाल फोन दे फोन दे।